लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीबी न्यूज में आपका स्वागत है। दुनिया में कई ऐसे मंदिर हैं जो अपनी खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज जिस मंदिर के बारे में बता रहे हैं उस मंदिर को बनाने में 150 साल लगे थे। दरअसल एलोरा की 34 गुफाओं में सबसे अद्भुत है कैलाश मंदिर। विशाल कैलाश मंदिर देखने में जितना खूबसूरत है उससे भी ज्यादा खूबसूरत है इस मंदिर में किया गया काम, या कह सकते हैं इस मंदिर की बनावट। कैलाश मंदिर की खास बात यह है कि इसे इस विशाल काय मंदिर को तैयार करने में करीब 150 साल लगे और करीब 7000 मजदूरों ने लगातार इस पर काम किया। यह मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में प्रसिद्ध एलोरा की गुफाओं में स्थित है। यह एलोरा के 16वीं गुफा की शोभा बढ़ा रही है। इस मंदिर का काम कृष्णा प्रथम के शासनकाल में पूरा हुआ। कैलाश मंदिर में विशाल शिवलिंग देखा जा सकता है। कैलाश मंदिर को हिमालय के कैलाश का रूप देने का भरपूर प्रयास किया गया है। शिव का यह दो मंजिला मंदिर पर्वत चट्टानों को काटकर बनाया है। यह मंदिर दुनिया भर में एक ही पत्थर की शिला से बनी हुई सबसे बड़ी मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर की ऊंचाई 90 फीट है, 276 फीट लंबा और 154 फीट चौड़ा है यह मंदिर। 7000 कामगारों ने लगातार काम करके तैयार किया है ये मंदिर। 150 साल लगे इस मंदिर के निर्माण में और 10 पीढ़ियां लगी। आज तक इस मंदिर में कभी पूजा किए जाने का प्रमाण नहीं मिलता। आज भी इस मंदिर में कोई पुजारी नहीं है, कोई नियमित पूजा पाठ का कोई सिलसिला नहीं चलता। इस मंदिर के निर्माण में करीब 40,000 टन भारी पत्थरों को काटकर 90 फुट ऊंचा मंदिर बनाया गया। इस मंदिर के आंगन के तीनों ओर कोठरियां हैं और सामने खुले मंडप में नंदी विराजमान है और उसके दोनों ओर विशाल काय हाथी और स्तंभ बने हैं। एलोरा की गुफा 16 यानी कैलाश मंदिर सबसे बड़ी गुफा है जिसमें सबसे ज्यादा खुदाई कार्य किया गया है। यहाँ के कैलाश मंदिर में विशाल और भव्य नक्काशी है। कैलाश मंदिर विरूपाक्ष मंदिर से प्रेरित होकर राष्ट्रकूट वंश के शासन के दौरान बनाया गया था।